अस्सलाम वालेकुम, मरियम किचन्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन बोनलेस। चिकन बोनलेस के आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास है तकरीबन 1 किलो ये इस तरह से बोनलेस चिकन, 5 टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और 1 खाने का चम्मच साबुत जीरा था, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट के रख लिया है। यहाँ पर मेरे पास लहसुन अदरक है कुटा हुआ। लहसुन अदरक की क्वांटिटी आप इतनी रख लें, ये मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए रखा है कि इतना लहसुन और अदरक था जिसको मैंने कूट के रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास हैं 3 अदद हरी मिर्चें, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 चाय का चम्मच जो है मेरे पास हल्दी पाउडर है, और नमक आप हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक जो है वो मैंने कोयला, ये मेरे पास है। तो रेसिपी शुरू करते हैं अपनी। ये मैंने चूल्हा जलाकर और इस तरह से कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर अब मैं इस बोनलेस को मैरिनेट करने के लिए रखूँगी। इसमें मैं ये डालूंगी लहसुन अदरक और ये कुटा हुआ जीरा साबुत धनिया, ये मैं उठा लेती हूँ यहाँ से, और ये मेरे पास जो नमक मिर्चें और हल्दी पाउडर था, ये डाल कर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर इसके दरमियान में रोटी का टुकड़ा रखूँगी, और ये जो कोयला मैंने गर्म होने के लिए रखा था इसको मैं यहाँ दरमियान में रख दूँगी। इसके ऊपर 1-2 ड्रॉप्स आप ऑयल या घी के डालें, ये देखें कितना अच्छा स्मोक बन गया, और इसको जल्दी से आप ढककर रख दें। ये आप ढककर तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके छोड़ दें। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। अब मैं इसमें से ये उठा लूँगी और हम इसको बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पतीली में मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया है, और इस 1/2 कप ऑयल में मैं ये टमाटर डालकर पकने के लिए रख दूँगी। टमाटरों को आपने अच्छी तरह से गला लेना है। मैंने ये छिलका उतार कर टमाटर जो है वो काटे थे, आप भी इसी तरह से कीजिएगा, और इनको जब पानी इसका खुश्क हो जाए अच्छी तरह से भून लें। यहाँ पर अब टमाटरों का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, और ये इनको मैं भून रही हूँ। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें आपने यहाँ पर अब इसमें ऐड करना है 3 खाने के चम्मच दही, ये मैं अब इसमें शामिल कर देती हूँ 3 खाने के चम्मच दही के, और फिर इसको अच्छी तरह से भूनें। बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। फाइनली यहाँ पर अब ये जो हमारा मसाला था वो तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखिए ऑयल इस पर अब इसकी साइड्स पे आना शुरू हो गया, और ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें बोनलेस चिकन को ऐड करूँगी, तो चिकन को मैंने इसमें शामिल कर देना है, और यहाँ पर चिकन डालकर आपने इसको हल्की आंच पर जस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने इसको ढककर रखना है। तो इसको मैं यहाँ पर ढककर रख दूँगी। 5 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पर रख कर पकाया था, और अब जो है आफ्टर 5 मिनट्स मैं इसको मीडियम आंच पे रख कर इसका जो पानी है इसको खुश्क करूँगी।
अब आपने इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पे पकाना है, फिर ये हमारा बोनलेस जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रख के पकाया था और इसका पानी जो है वो अब खुश्क हो चुका है। 3 से 4 मिनट इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। फाइनली ये हमारी चिकन बोनलेस जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये थी हमारी आज की चिकन बोनलेस हांडी, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। इसके साथ मैंने यहाँ पर रायता सर्व कर रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ ज़ीरा, पिंच ऑफ नमक एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड की है और बहुत ही मज़ेदार सा आपका हल्का फुल्का सा रायता जो है वो तैयार हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।